अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद यासीन और आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लाइफ ऑफ यासीन। आपने भूज मूवी देखी होगी, लेकिन आज हूं मैं भूज के शहर में। मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर कौन सी चीज़ें और क्या क्या चीज़ें देखने लायक हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है भूज शहर की जो मार्केट है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए फ्रेश वेजिटेबल्स जो है यहाँ पर, ये फेमस जो है यहाँ पर चाय वाला है सलमान चाय। यहाँ पर जो है कभी भी देखिए आपको खाली नहीं मिलेगा, पूरा भरा हुआ ही मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर लोग चाय के बहुत शौकीन हैं और आज जो है ठंडी बहुत ज़्यादा है और मुझे जो है यहाँ पर देखकर चलना पड़ेगा, नहीं तो मेरे ऊपर ही गाड़ी चढ़ा देंगे। मैं यहाँ से पैदल इसके लिए जा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ की जो मार्केट है वो भी मैं आपको दिखा सकूँ, और यहाँ से पैदल चलते चलते मुझे ये भी एहसास हो जाए कि भाई यहाँ पर कोरोना का माहौल क्या है। बिकॉज जितने भी लोग अभी तक दिखे हैं मुझे, ऑलमोस्ट जो है लोग मास्क लगाए हुए हैं। और यहाँ से देखिए आपको रिक्शा वगैरह दिख जाएगी, होटल्स वगैरह हैं। आप अगर भूज में आते हैं तो होटल्स वगैरह में भी रुक सकते हैं, लेकिन मैं रुका हूँ यहाँ पर गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस जो है मुसाफिर खाना करके गेस्ट हाउस है, आप भटका नाका बोलेंगे तो वहाँ पर गेस्ट हाउस है, वहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं अगर आपके पास कोई रिहाइश की जगह नहीं है तो। अदरवाइज़ मैं जहाँ पर रुका हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इलाका है यहाँ पर पुराना बस स्टेशन था और आज की डेट में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आई थिंक कुछ और ही प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये कहीं दूसरी ओर शिफ्ट किया है इन्होंने। शाम का वक्त हो चला है और यहाँ पर नाश्ते की जो है तैयारियाँ, यहाँ पर जो लारियाँ और जो यहाँ पर रेकड़ियाँ जो हैं और यहाँ पर जो दुकानें हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे जो हैं स्नैक्स फूड्स मिलते हैं यहाँ पर। ख़ास करके आप यहाँ पर दाबेली खाई है, डबल रोटी जिसको बोलते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है। देखिए मैं जो है यहाँ पर VRP गेस्ट हाउस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो है रूम्स वगैरह मिल जाएंगे और ये जो है मेन इलाका है, ये जो है मेन है, क्योंकि यहाँ पर जो है पुराना बस स्टेशन था तो यहाँ से आपको रिक्शा वगैरह सब जो है मिल जाएंगे यहाँ से। और अगर आपको खाना पीना है तो ये भी यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं। 3-4 बैंक्स के जो हैं ATM भी हैं यहाँ पर, तो ATM भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हालांकि फ़िलहाल अभी थोड़ी भीड़ अंदर, HDFC का ATM है यहाँ पर। और ये रहा सामने, यहाँ से देखिए VRP गेस्ट हाउस। HDFC के ATM से मैं पैसे निकाल रहा था तो वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने मेरे हाथ में कैमरा देखकर मुझे पूछा कि भाई क्या ये चीज़ें हैं, तो मैंने बोला मैं YouTube के लिए जो है वीडियो शूट करता हूँ। तो फिर उनसे बात होते गई पैसे निकालने के बाद जो है मेरे नंबर वगैरह लिए उन्होंने और चैनल जो है सब्सक्राइब किया। ये देखिए ये जो भूज का सिनेमाघर है, ये यहाँ पर मूवी लगी है द किंग्स मैन, और ये थिएटर का नाम है सुर मंदिर, और एक साइड लगी है पुष्पा द राइज Part 1। मैं यहाँ से चल के इसके लिए जा रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि भूज शहर के रोड पर गलियों में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अदरवाइज़ मैं रिक्शा करके भी जा सकता था, बट रिक्शा करके जाता तो मैं कुछ भी नहीं दिखा पाता ये सब चीज़ें। और लोग जो हैं यहाँ पर जब आते हैं, मैंने ब्लॉग्स देखे हैं लोगों के, तो वो सिर्फ जो मेन जगह है वहाँ पर जाते हैं, घूमते हैं, बस हो गया। लेकिन आपको रोड के ऊपर आप आते हो, किस रोड पर जाते हो, क्या चीज़ें होती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। भूज जो है एक ऐतिहासिक शहर है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लेस यहाँ पर ज़्यादा देखने लायक है। वैसे भूज पूरा का पूरा देखने लायक है क्योंकि यहाँ पर 350-400 साल पहले जो है राजाशाही चलती थी। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का हमीसर तालाब।
ठीक है, इसके अंदर फ़िलहाल अभी पानी है। और लोग जो है यहाँ पर जब सैटरडे संडे की छुट्टी होती है तो यहाँ पर अपना टाइम जो है स्पेंड करने के लिए आते हैं। और बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर नाश्ता पानी जो है करते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर छोटे छोटे रेकड़ी, अगर गुजराती भाषा में कहें तो रेकड़ी और स्टॉल्स जो हैं खाने पीने के मिल जाएंगे। ये देखिए देसी भुट्टा सिक रहा है, देखिए यहाँ। मैं तालाब के अंदर जाकर आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो ठंडी का मौसम है, लेकिन फिर भी मैं जब छोटा था यहाँ पर तब आता था, और बारिश में तो ये पूरा भर जाता है, पूरा ऊपर आ जाता है। पहले जो है ना ये दीवार नहीं हुआ करती थी, अब यहाँ से डायरेक्ट अंदर जाया करते थे, लेकिन अभी ये तालाब के अंदर जाना है तो यहाँ से इस तरह से छोटे से रास्ते से आना पड़ता है। और ये जो तालाब है ना बारिश में ये इसकी इतनी हाइट तक आ जाता है, ये देखिए ये, और कभी कभी तो बाहर इसका पानी ऊपर तक आ जाता है। ये बहुत पुराना तालाब है और भूज का बहुत फेमस विजिटिंग प्लेस है, जिसका नाम है हमीसर तालाब। ये देखिए शाम के जो है 5 बजे हैं ये तालाब का मंजर है, मैं आपको आगे भी जाके दिखाता हूँ। पानी जो है गर्मियाँ आते आते सूख जाता है। ये देखिए यहाँ से आपको शायद दिख रहा होगा, ये देखिए मेरी उंगली के बराबर एग्जैक्ट देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा प्राग महल, यहाँ पर हम विज़िट करेंगे कुछ ही देर के अंदर। प्राग महल जो है मैंने देख लिया है वैसे, लेकिन आईना महल का जो है अभी फ़िलहाल जो है 6 बजे जो है क्लोजिंग है।